लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर 8 रीच फॉर द टॉप। बिहेव का चैप्टर 8 रीच फॉर द टॉप। हम लोग को आज की क्लास में चैप्टर 8 बिहेव बुक रीच फॉर द टॉप इसको एक्सप्लेन करना है मुझे, ठीक ना। तो सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर। देखो रीच फॉर द टॉप मीन्स आपको हिंदी समझ में आ रही होगी। तो अगला है थिंक फॉर ए व्हाइल एंड मेक ए लिस्ट ऑफ थ्री। थिंक थोड़ा सा आप सोचिए और एक लिस्ट बना दीजिए कि ड्रीम 3 to 5 persons यू आइडियलाइज। आप एक मिनट के लिए थिंक सीरियसली एंड मेक ए लिस्ट ऑफ 3 or 5 persons टू 5 persons यू आइडियलाइज, मतलब कि उन लोगों की लिस्ट बनाइए जिन्हें आप बहुत ज़्यादा जिनके रिस्पेक्ट करते हैं, जिनकी आपको बहुत ज़्यादा जिसकी आप मानते हैं, जिसकी पूजा करते हैं। ऐसे टॉप 5 लोगों की आप क्या कर लीजिए, लिस्ट बना लीजिए, ठीक है। आर वेरी मच एडमायर फॉर दियर अचीवमेंट्स, या आप उनको बहुत ज़्यादा उनकी अचीवमेंट्स के लिए एडमायर करते हैं। मीन्स तो थिंक सीरियसली एंड मेक ए लिस्ट ऑफ टॉप 5 पीपल टू हुम यू आइडियलाइज आर टू हुम यू वर्शिप आर टू हुम यू लाइक वॉट एवर इट इज आर दियर अचीवमेंट्स यू लाइक। तो यू आइडल्स मे बी फ्रॉम एनी स्पेयर ऑफ लाइफ। आपके जो आइडल्स होंगे, जो आदर्शवादी लोग होंगे, वो आराध्य जो होंगे वो आपके जीवन के किसी भी स्फेयर पार्ट से हो सकते हैं, जैसे कि स्पोर्ट्स से, मेडिसिन से, मीडिया आर्ट एंड कल्चर से, मेडिसिन से, मीडिया से, फिल्म इंडस्ट्री से, जिससे भी आप जिसको आइडलाइज करते हैं, जो आपके आदर्श हैं, जिन्हें आप आराध्य मानते हैं, उनमें से आप टॉप 5 लिस्ट बना लीजिए और ये बताइए कि उसमें से आप किसको ज़्यादा लाइक करते हैं। जैसे स्पोर्ट्स में तो आप कहेंगे आई लाइक सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, रोहित शर्मा, वाट एवर इट इज लोग कहते हैं। फिल्म इंडस्ट्री में जाएंगे तो आप कहेंगे सलमान खान, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, जिसको भी आप आराध्य मानते हैं, है ना। इसके बाद आप आते हैं बात करते हैं मीडिया में, तो मीडिया में जिसको अप्लाई करते हैं। आर्ट एंड कल्चर में रविन्द्रनाथ टैगोर हुए, गांधी जी हुए, सबको तमाम आप, तो जिसे आपने लाइक किया है उसकी लिस्ट बना लीजिए। तो उससे आप पता चलेगा कि आप उसकी एक्टिविटी, उसके ट्रेड्स, उसके क्वालिटी को आप जानेंगे, ठीक है, और देखेंगे आप। योर टीचर विल देन डिस्कस योर चॉइसेस विथ यू टू फाइंड आउट हू द टॉप 5 आइडल्स ऑफ योर क्लास आर। उसमें से आपके टीचर आपके साथ डिस्कस करेंगे कि आपके 5 जो आइडल्स हैं वो कौन कौन से हैं, ठीक है। तो जैसे 5 आइडल्स में हम बात करते हैं, तो आपने मान लीजिए नाम सबका हमको बताया, हम भी डिस्कस किए, आप भी जान गए। तो इस तरीके का ये चैप्टर है जिसमें आपको पढ़ना है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे इसका पार्ट 1, संतोष यादव, ठीक है। द ओनली वुमन इन द वर्ल्ड, एक ऐसी औरत संसार की हु हैज कंक्वेर्ड माउंट एवरेस्ट ट्वाइस वाज बोर्न इन ए सोसाइटी, जिसने माउंट एवरेस्ट पे 2 बार कंक्वेयर किया, चढ़ाई की थी, जो कि मतलब कि जन्म हुआ था उसका, वेयर द बर्थ ऑफ ए सन वाज रिगार्डेड एज ए ब्लेसिंग। संतोष यादव उन औरतों में से एक थी जिसका जन्म एक ऐसी फैमिली में हुआ था जहां पर कि बच्चे का जन्म होता था तो लोग उसे एक ब्लेसिंग मानते थे, आशीर्वाद मानते थे। ऐसी फैमिली से बिलोंग करने वाली थी संतोष यादव, मींस, और जिसने 2 times माउंट एवरेस्ट को कंक्वेयर किया था, ठीक ना। उस संतोष यादव को हमको पढ़ना है, ठीक है। वेयर द बर्थ ऑफ ए सन वाज ब्लेसिंग एंड ए डॉटर थॉट नॉट कंसीडर्ड ए कर्ज, तो डॉटर को बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं मिलती थी, उसको लोग एक कर्ज मानते थे कि पुत्री लड़की जन्म ली है, नहीं लोग होता है सोचते हैं कि अरे लड़का नहीं लड़की है, तो उसको एक कर्ज से कम नहीं समझते थे, अभिशाप मानते थे, ठीक है। वाज नॉट जनरली वेलकम, उस लड़कियों के जन्म के समय लोग उसका वेलकम उतना नहीं करते थे जितना कि बच्चे के जन्म के बात करते थे, तो नॉट वेलकम, लोग उसको उतना ज़्यादा नहीं वेलकम करते थे। समझ में आ रहा ना, मीन्स संतोष यादव जो इसने 2 बार माउंट एवरेस्ट को कंक्वेयर किया था, जिसने 2 बार उस पर चढ़ाई की थी, जो इसने 2 बार उसकी जीत हासिल की थी, उस संतोष यादव का घर में, उस घर में जन्म हुआ था जहाँ पे बच्चों के जन्म के समय उत्सव होते थे, पार्टियाँ होती थी, ठीक ना। पीपुल वेयर डांसिंग, सिंगिंग, देयर वेयर डेकोरेशन, देयर वेयर पार्टीज, है ना। बट अगर इफ ए गर्ल बेबी बॉर्न, अगर कोई गर्ल बॉर्न हो जाती थी तो सी वॉज नॉट वेलकम्ड एज द सन्स, वो उतना वेलकम नहीं होता था उसका जितना कि लड़कों का होता था। समझ में आ रही बातें,
Anything is doubt? Nothing. Next. When her mother was expecting Santosh, a traveling holy man, when her mother was expecting Santosh, ठीक ना, तो जब उसकी माँ उस संतोष यादव के बारे में सोच रही थी, तो a traveling holy man grieving, giving her his blessing, तो एक ट्रेवलिंग होली मैन था, जिसे साधु कह सकते हैं, संत कह सकते हैं, पवित्र आदमी का मतलब सन्यासी कह सकते हैं, उसने उसको ब्लेसिंग दिया था कि assumed that she wanted a son, कि उसको एक लड़के की जरूरत है, she wanted a son, उसे एक पुत्र की चाहत थी, but to everyone's surprise, the unborn child's grandmother, who was standing close by, told him that they did not want a son. तो उसकी ग्रैंड माँ ने भी बोला था कि नहीं, मुझे कोई ऐसा जरूरत नहीं है कि मुझे इसको ही, मतलब लड़का ही हो, मतलब उस सन्यासी ने जब उसको बोला कि आपको पुत्र की चाहत है, तो उसकी दादी माँ जो, मतलब उसकी जो बूढ़ी औरत बगल में खड़ी थी, उन्होंने बोला था कि ऐसा कुछ नहीं है सर, मेरे घर में ये नहीं कोई सोचता है कि इनको लड़का ही हो, लड़की भी हो जाने से कोई दिक्कतें नहीं है, उस जगह की बात है जहाँ पे लड़कियों की जन्म को एक कर्ज से कम नहीं मानते थे, ठीक है। द होली मैन वाज आल्सो सरप्राइज्ड, होली मैन पूरी तरीके से सरप्राइज हो गया, सरप्राइज्ड, नेवरदलेस ही गेव द रिक्वेस्टेड ब्लेसिंग एंड एज डेस्टिनी वुड हैव इट द ब्लेसिंग सीम्ड टू वर्क, और उसने उनको ब्लेसिंग दे दिया वैसा ही कि ठीक है जो तुम्हारी इच्छा है वही पूरी हो, नहीं साधु लोग कहते हैं यो मास्तु, नहीं कहते हैं सीरियस टीवी में देखते हो कि मूवी में तो नहीं बोलते हैं कि जो अच्छा इच्छा बच्चा, तो इस तरीके से मतलब कि साधु ने उसको आशीर्वाद दिया कि ठीक है जो आपकी इच्छा है ऐसा ही होगा, योर ब्लेसिंग है ना, तो उसने अपनी ब्लेसिंग उसको दे दी, एंड एज डेस्टिनी वुड हैव इट द ब्लेसिंग सीम्ड टू वर्क, और जैसे ही भाग में वही लिखा था कि उसको लड़की ही हो तो लड़की ही हुई, ऐसा ही उसने ब्लेसिंग दिया और वही हो भी गया, ठीक है। संतोष वाज बॉर्न द सिक्स्थ चाइल्ड इन ए फैमिली विद फाइव सन, संतोष वाज बॉर्न द सिक्स्थ चाइल्ड, ठीक ना, परिवार में उस फैमिली में संतोष यादव का जो जन्म जो हुआ था वो छठवें लड़के के रूप में हुआ था, छठा बच्चा उस फैमिली का था, ठीक है। ए सिस्टर टू फाइव ब्रदर्स, एक सिस्टर पांच बहन, अरे ए सिस्टर एंड फाइव ब्रदर्स, पांच भाई एक बहनों में, सी वाज बॉर्न इन द स्मॉल विलेज ऑफ जोनियावास इन हरियाणा, ठीक ना, तो उसका जन्म हरियाणा के जोनियावास में हुआ था, सी वाज बॉर्न इन जोनियावास एट हरियाणा, हरियाणा के जोनियावास जगह है वहां पे उसका जन्म हुआ था। तो फर्स्ट पैराग्राफ इज क्लियर, एनी डाउट? संतोष यादव वाज द फर्स्ट वुमेन हु कंक्वर्ड माउंट एवरेस्ट मोर देन टू टाइम्स एंड सी वाज बॉर्न इन सच अ प्लेस वेयर द बेबी गर्ल बेबी या बेबी गर्ल वाज नॉट वेलकम्ड एज द सन्स वेयर वेलकम्ड बाय द पीपल बाय द पेरेंट्स बाय द गार्जियंस एंड संतोष यादव फैमिलीज हर मदर वॉन्टेड ए बॉर्न बॉय चाइल्ड बट वेन ए हर्मिट पास्ड through his house or when they met a hermit, the hermit knew and the hermit was trying to give his blessings to the mother, but they decided that sir please we are not expecting a child, we are surprised or we are happy to know that a child is baby child or a girl or a boy, matlab ki bachcha ho ya bachchi ho, it does not matter, at the blessings word the hermit gave, the blessing was given by the hermit that there was a girl child and the girl child named Santosh and she was the sixth born child in a family, one sister and five brothers and she was born in Joniawas near Haryana, hai na, yahi hai na ji, in Haryana, uska janm Haryana ke Joniawas namak gaon mein hua tha, any doubt? Next, द गर्ल वॉज गिवेन द सेम नेम संतोष, अब वो जो पुत्री जिसका जन्म हुआ था लड़की का, द गर्ल वॉज नेम्ड एज संतोष, उस लड़की का नाम क्या था, संतोष था, विच मीन्स कंटेंटमेंट, जिसका मतलब होता है संतुष्टि, नहीं लोग कहते हैं अब मैं खुश हूँ, 40 में 40 मिल गया, मैं बहुत खुश हूँ, तो वही चीज होता है कंटेंटमेंट, बट संतोष वॉज नॉट ऑलवेज कंटेंट विथ हर प्लेस इन ए ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ, लेकिन संतोष का नाम तो संतोष था जिसकी हिंदी मीनिंग संतोष होती है, लेकिन संतोष यादव जो थी वो हैप्पी नहीं थी,
वो खुश नहीं थी अपनी इस नाम से, संतुष्टि से और उस ट्रेडिशनल लाइफ से जो लाइफ उसकी चल रही थी, उस ट्रेडिशनल लाइफ से संतोष यादव वॉज नॉट हैप्पी, संतोष यादव खुश नहीं थी। समझ में आया? संतोष यादव नॉट हैप्पी एंड सो जो लाइफ ट्रेडिशनल लाइफ थी उससे संतोष यादव को खुशी नहीं थी। नहीं, लोग घर में कहते हैं कि जिस तरीके का माहौल चल रहा है वो माहौल में मैं सूट नहीं करूंगी। तो ऐसे संतोष यादव ने उस करंट सिचुएशन से निकलने की कोशिश की और उसने अमित जी एंड सी बिगेन लिविंग लाइफ ऑन हर ओन वे टर्म्स फ्रॉम द स्टार्ट, और संतोष यादव ने अपनी लाइफ को अपने तरीके से जीना शुरू कर दिया। संतोष यादव ने कहा कि आई एम गोइंग टू लिव माई लाइफ एज माई ओन विश एज माई ओन विल, मैं अपने जीवन को अपने तरीके से जीऊंगी। ठीक है, स्टेटस आप लगाते हो ना, आई एम द किंग ऑफ माई ओन थॉट्स, लगाता है, लगाते हैं, लगाती हैं, आई एम द प्रिंसेस ऑफ माई ओन थॉट्स, मैं अपने विचारों का राजा हूं, हैं, मेरी मर्जी मैं ये करूं, मेरी मर्जी मैं वो करूं, जो मन में आए वो करूं, आई एम द किंग ऑफ माई ओन थॉट्स। एंड द अनदर कैरेक्टर इज दैट इज आई एम द प्रिंसेस ऑफ माई ओन थॉट्स, मीन्स उधर के लिए है कि आई एम द प्रिंसेस, मैं अपने विचारों की मालकिन हूँ। आई एम द प्रिंसेस ऑफ माई फादर, है ना, विचार है ना कि पिता की परी हूँ, पिता का है। तो लिसन, संतोष यादव स्टार्टेड लाइफ अकॉर्डिंग टू हर ओन वे, उसने कहा कि मेरी मर्जी, मैं जो चाहूंगी वो करूंगी, इट्स माई लाइफ सो डोंट ट्राई टू सेव माई लाइफ, इट्स माई लाइफ एंड आई विल स्पेंड माई लाइफ अकॉर्डिंग टू माई ओन वे, दिस इज द रियलिटी ऑफ संतोष यादव। ओके, नेक्स्ट, सी बिगेन लिविंग लाइफ हर ओन वे वेयर अदर गर्ल्स वेयर ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेसेस, संतोष यादव प्रीफर्ड शॉर्ट, वेयर ओल्ड अदर गर्ल्स वेयर ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेसेस, दूसरे गांव की लड़कियां, अमन जी बुक में सिर्फ देखेंगे आप, दूसरे गांव की लड़कियों ने जबकि ट्रेडिशनल कपड़े पहनती थी, ट्रेडिशनल कपड़े जो गांव के ट्रेडिशनल कपड़े होते हैं वो लड़कियां पहनती थी, ठीक है, बट संतोष यादव प्रीफर्ड शॉर्ट, संतोष यादव ने अपने लिए शॉर्ट ड्रेस पहनना प्रीफर किया, वाइल अदर्स वेयर वेयरिंग ट्रेडिशनल क्लोथ्स, बट संतोष यादवाज लाइफ वॉज डिफरेंट एंड सी स्टार्टेड प्रीफर्ड शॉर्ट, उसने शॉर्ट ड्रेस पहनना प्रीफर किया। नेक्स्ट, लुकिंग बैक सी सेज नाउ, फिर उसने देखा और कहा, From the very beginning, I was quite determined that if I choose a correct and rational path, the others around me had to change, not me. सुनते जाइएगा, संतोष यादव ने फिर बाद में ये बोला था कि मैं अपनी लाइफ को अपने तरीके से जीने जा रही हूँ, मेरे साथ, means my life is my life, I am going to live my life according to my own way, मेरी तरीका, yes. My life, my rules, है ना, मेरा जीवन, मेरा रूल, मेरा तरीका। Your brother is saying so. My life, my rules means it means that you are not going to interfere in his life. Yes, this dialogue means Prithuji. This dialogue means you are not going to interfere in his life, entertain in his life. So please. Please look your life. Hey. तो उसने कहा कि देख लीजिए, तो एंड आई चूज ए करेक्ट रैशनल पैथ, मैं अपने लिए एक अच्छा रास्ता चुनूंगी, लेकिन चूज तो मैंने अपने लिए एक अच्छे रास्ते कर लिए, लेकिन मेरे साथ ये प्रॉब्लम रहेगी कि लोग जो मेरे साथ हैं दे शुड चेंज दियर वे ऑफ लाइफ, वे लोग अपने सोचने का तरीका बदलें, मैं अपने रहने का और सोचने का तरीका नहीं बदलूं, मींस मेरी जो मर्जी है मैं वो करूंगी, मेरे साथ जो लोग हैं या जो मुझे जानते हैं वो लोग मेरे बारे में जो सोचते हैं वो सोचने का तरीके बदलें, मैं अपने लाइफ स्टाइल को नहीं चेंज करूंगी, आई एम नॉट गोइंग टू चेंज माई लाइफ। ठीक ना, मेरे साथ रहने वाले लोगों को या मेरे चारों ओर के लोगों को बदलना पड़ेगा, बट आई एम नॉट, मैं बदलूंगी नहीं, चाहे जो मर्जी वो कर ले कोई, मीन्स इट्स माई लाइफ अकॉर्डिंग टू माई लाइफ
आई विल बी हियर, मेरे साथ अगल बगल रहने वाले लोग बदले, मैं जो समझेगी, मैं जो चाहेगी वो मैं करेगी, है ना। दिस इज द डिटर्मिनेशन ऑफ संतोष यादव, हु कॉन्क्वर्ड माउंट एवरेस्ट 2 times, ठीक है। फिर मैंने बोला एंड संतोष पेरेंट्स वेयर affluent land owners who could afford to send their children to the best schools, even to the country's capital, Delhi. और संतोष के माता पिता में किसी तरह की कोई ऐसी बात नहीं थी, परस्परस फैमिली से थी, तो परस्परस फैमिली की वजह से ऐसा हुआ कि संतोष यादव ने मीन्स ये चीज स्वीकार करना चाहा कि अभी आइए। तो संतोष यादव ने प्रीफर ये किया कि मैं अपने अकॉर्डिंग रहूंगी। उसके पेरेंट्स चाहते तो उसको अच्छे हॉस्टल में, अच्छे स्कूल में भेज के बाहर पढ़ा सकते थे, इवन इन द कैपिटल दिल्ली। बट संतोष यादव ने खुद को ये प्रीफर किया, मतलब संतोष यादव को पढ़ा सकते थे, तो पेरेंट्स की तरफ से नो बाउंडेशन था, कोई बाउंडेशन नहीं था। एंड इवन द कंट्रीज कैपिटल विच वॉज क्वाइट क्लोज बाई, जो उसके बगल में, हरियाणा के बगल में ही होता है ना दिल्ली। And but in line with the prevailing custom in the family, Santosh had to make do with the local village school. लेकिन फैमिली में कुछ ऐसे कल्चर थे, कुछ ऐसे रिचुअल्स थे, जिसकी वजह से उसको उस गांव के बगल के स्कूल में पढ़ना पड़ा, उसको उस गांव के बगल के स्कूल में पढ़ना पड़ा, ठीक है। तो एंड संतोष हैड टू मेक डू विद द लोकल विलेज स्कूल, सी डिसाइडेड टू फाइट द सिस्टम इन हर ओन क्वाइट वे, उसने कहा कि अपने तरीके से उस सिस्टम को क्या करेगी, फाइट करेगी, वो अपने सिस्टम को फाइट करेगी। अभी मैं भी सिस्टम को करेक्ट करूंगा 5 मिनट के बाद, मींस उस सिस्टम को क्या होगा वो करेक्ट करेगी। एंड व्हेन द राइट मोमेंट अराइव, जब अच्छे समय आएंगी, टाइम आएगा, तो मैं उसको करेक्ट कर लूंगी। एंड द राइट मोमेंट केम व्हेन शी टर्न्ड 16, और वो समय आ गया कि जब उसकी उम्र 16 साल की हो गई, 16। एट 16 मोस्ट ऑफ द गर्ल्स इन हर विलेज यूज्ड टू गेट मैरिड, 16वीं साल की उम्र तक उसके गांव की ज्यादातर लड़कियां जाते जाते उस उम्र तक उसकी शादियां हो जाती थी। मींस एट द एज ऑफ 16 मोस्ट ऑफ द गर्ल्स ऑफ हर विलेज वेयर गेट मैरिड, अरे मतलब कि यूज टू गेट मैरिड, किसके गांव की, संतोष के गांव की। बट संतोष वॉज ऑल्सो अंडर प्रेशर फ्रॉम हर पेरेंट्स टू डू द सेम, और संतोष यादव के घर वालों का भी उसके ऊपर इतना बर्डन था, प्रेशर था, उसके घर वाले ऑलवेज ट्राइंग टू गेट मैरी, उसके जो घर वाले थे वो सोचते थे कि संतोष यादव यू टू आर गोइंग टू मैरी सून, एज हर पेरेंट्स विश्ड। उसके माता पिता भी चाहते थे कि जैसे सब लड़कियों की शादी हो जाती है गांव में 16-17 साल जाते जाते, तब तक क्या करें, 16-17 साल तक जाते जाते तब तक इसी तरीके से इसकी भी शादी हम करके इसके अपने घर भेज दें। तो ये चीज संतोष यादव के गांव में ये सिस्टम था, और ऐसा उसके पेरेंट ने उसके लिए सोचा था, बुक में लिखा है, ठीक ना। एंड तो आकाश प्रेस करो। तो इस तरीके से क्या किया संतोष यादव ने।